हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू दिस वीडियो. और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं SSC CHSL 2018 Tier 1 आंसर कीज रिलीज हो गई हैं, यानी कि SSC CHSL 2018 जिसका पेपर अभी हाल फिलहाल में आपका कंडक्ट हुआ था. और मैंने पहले भी आप सभी लोगों से कहा था कि एग्जाम आपका 12 जुलाई तक हो गया था और मैंने कहा था 20-22 जुलाई तक आपकी आंसर कीज आ जाएंगी. एग्जैक्टली सेम पैटर्न जिस तरीके से CGL की आंसर कीज आई हैं उसी तरीके से आंसर कीज रिलीज हो गई हैं. अगर आपको अपनी आंसर कीज चेक करनी है तो अभी वेबसाइट लिंक नहीं आया है, वो अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन लिंक आ गया है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाएंगे तो पहला ही लिंक जो दिया है वो आपको मैंने इसी के लिए दिया है जहां से आप अपनी आंसर कीज चेक कर सकते हैं. या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी जाकर भी अपने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में भी से भी आप अपने मैंने डाल दिया है वहां पे भी लिंक, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं अपने अपने आंसर कीज को. तो आंसर कीज चेक करने के लिए आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे वहां पे आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा. इस तरीके का एक पेज खुलेगा और यहां पर आप यूजर आईडी में एंटर करोगे अपना रोल नंबर जो कि एडमिशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यानी कि आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग है. उसके बाद पासवर्ड में आपकी DOB है जो कि DDMMMYY के केस में है. तो इस तरीके से आप अपना लॉग इन करेंगे और उसके बाद आप अपनी आंसर कीज डाउनलोड कर सकते हैं. तो चेकआउट योर आंसर कीज ऑन वेबसाइट. उसके बाद आप में से कई लोगों का सवाल यह है कि टीयर टू के लिए क्या करना होगा. तो देखो, अगर आप टीयर वन क्वालिफाई कर जाओगे, फिलहाल सिर्फ आंसर कीज आई हैं, रिजल्ट आने में अभी वक्त लगेगा. जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप टीयर टू के लिए पेपर होगा. टीयर टू में आपके क्या लिखने को आता है? एक एसे लिखने को आएगा, एक लेटर लिखने को आएगा. आप दोनों को कंबाइन करोगे तो टोटल 100 मार्क्स कंटेन करता है ये पेपर. ठीक है, तो ये एसे और लेटर दो लिखने को एक एक लिखने को आता है आपको और ये 100 नंबर का पेपर बनता है. फाइनल मेरिट जो बनती है वो बनती है आपकी टीयर 1+2 से. ठीक है, तो टीयर 1+2 से आपकी फाइनल मेरिट बनती है. अभी आपका सिर्फ टीयर 1 की आंसर कीज आई है जिसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा. ठीक है, अभी क्या कट ऑफ जा रहा है क्या नहीं जा रहा है इसके बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी. तो अगर आपको थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में आइडिया लेना है या आपको कोई क्वेश्चन क्लेम करना है एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट दैट तो आप प्लीज अपनी आंसर कीज मुझे इस आईडी पर मेल कर दीजिए. आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू. आप aman.sscmentor@gmail.com पर सब्जेक्ट में अपनी डेट और अपनी शिफ्ट, डेट एंड शिफ्ट मेंशन करके आप इसमें मेल कर दीजिए. इफ यू मेल इट, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं उनका इस्तेमाल करूंगा और आपको उसे पढ़ाने में मदद मिलेगी. तो आप यहां पे मेल कर देना अपनी आंसर कीज को. और अगर आपको अपनी आंसर कीज चेक करनी है तो आप www.amantrivedi.com पे जाके भी अपनी आंसर कीज को चेक कर सकते हैं. और आप यहां पर अगर आंसर कीज को अपनी मेल कर देंगे तो मैं अपनी वेबसाइट पर कल को उन्हें अपलोड कर दूंगा जहां से आप सभी लोग उन्हें एक्सेस कर पाएंगे. ठीक है, तो जल्दी से आप लोग आंसर कीज अपनी चेक कर लीजिए और जो भी अपने स्कोर्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाकी के वीडियोस इसी चैनल पे आते रहेंगे. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि द हिंदू वोकैबुलरी सबसे बेस्ट आपको मिलती है यहीं पे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ वेरी गुड डे. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच.